रवि साहब, आपकी खिदमत में बहुत बहुत आदाब। और आदाब। आप जो साथी सिलसिले में, क्योंकि ये उनका यौमे पैदाइश है और उनकी सालगिरह मनाई जा रही है, मुख्तलिफ ममालिक में भी, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के शहरों में भी, जो साहब के हवाले से जो तकरीबात हो रही हैं, तो उसमें हमेशा कभी कभी जब मैं बातें सोचती हूँ तो पहले हम उनकी 22 फरवरी, क्योंकि उनका इंतकाल हमारे लिए बहुत बड़ा सानहा था, तो उसके लिए हम हमेशा उनकी बरसी मनाया करते थे। और 5 दिसंबर की तकरीब जो है वो महदूद पैमाने पे होती थी। उसके बाद ख्याल आया कि नहीं, शायद वो जिंदा रहते हैं और उनकी बरसियाँ नहीं होती बल्कि उनकी सालगिरह और यौम विलादत मनाए जाते हैं। इस हवाले से मैंने एक छोटा सा मुख्तसर सा मजमून की शक्ल में ही है, ताकि मैं पैगाम भी रिकॉर्ड करवा सकूं, कि जो साहब की एक नज़्म है जो उन्होंने यादों की बारात में उनका अस्थि तहरीर का अक्स मौजूद है, उसमें से मैंने 2 शेर मुंतखब किए हैं। सबसे पहले इरशाद निकलेंगे मेरी फिक्र के जादे से कल जुलूस, निकलेंगे मेरी फिक्र के जादे से कल जुलूस, वो आज कारवां से ताल्लुक बुरीदा हूँ, कल नुत्क अर्श फर्श पे होगा मेरा सुखन, क्या है जो आज मुस्तफे ना रहल दीदा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। 5 दिसंबर 1898 या 96 या 94, जो भी सन समझ लिया जाए, क्योंकि जो साहब ही के बकौल तो उनके ज़माने में तारीखें लिखने का कोई रिवाज नहीं था, और सिर्फ दादी बताती हैं कि वो दिसंबर की 5 तारीख को पैदा हुए थे, कुछ उनका अंदाज़ा था जैसा भी था। तो चले यूँ समझ लें कि 5 दिसंबर 1898 को मलियाबाद में जन्म लेने वाले जोश, जिन्होंने महज 9 बरस की उम्र में पहला शेर कहकर अदब की दुनिया में एक नई धड़ से कदम रख दिया था, शायरी क्यों नाराज आए मुझे, शायरी क्यों नाराज आए मुझे, ये मेरा फन खानदानी है। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि जोश साहब को हमेशा अपने असलाफ पर वक्त रहा, और खुसूसन अपने परदादा हसामुद्दौला तहव्वुर जंग नवाब फ़कीर मोहम्मद खान गोया के हवाले से उन्होंने बहुत तफाखुर और खुशी के साथ उस बात का जिक्र किया कि उनके परदादा साहिब दीवान शायर थे, अनवारे सोहेली के खालिक थे। और अनवारे सोहेली का जो मैंने बैकग्राउंड पढ़ा और उसका पस मंजर जो मेरी नज़र से गुजरा लोगों की तहरीर के ज़रिए से, तो मालूम हुआ कि अनवारे सोहेली के तकरीबन 7 से 8 एडिशन उनकी ज़िंदगी में बल्कि 8 एडिशन शाये हुए, और उसका आखिरी एडिशन जो कहलाता है वो 1888 का है। और अदील रजी साहब, आपकी तवसुती से बड़ी हैरान कन और खुशी की बात मैं बताऊंगी कि मेरी वालदा अनवर बेगम फकी, जो कि बॉम्बे और पूना से ताल्लुक रखती थी और वो वाडिया कॉलेज में पढ़ रही थी, तो बहुत बरसों बाद मेरी वालदा ने मुझे बताया, क्योंकि फारसी भी उनका मजमून था, तो उन्होंने कहा कि भी हमारे कोर्स में नवाब फकीर मोहम्मद खान गोया का सिलेबस में उनका कलाम शामिल था। तो ये भी कुछ बहुत अजीब सी बात है कि उनकी जोर साहब की बहू ने भी उनका कलाम पढ़ा। तो ये बहुत ही फख्र की बात होती है कि जोर साहब, उनके वालिद, उनके दादा, परदादा, तमाम के तमाम साहिब दीवान साहब गुजरे। और जोर साहब का जहाँ तक देखें ताल्लुक है कि जोर साहब को बहुत कम उम्री से लिखा और रूहे अदब, क्योंकि उनकी पहला मजमूआ कलाम था, और वो कहते हैं जैसे कि होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात वाली बात थी,
कि जिन जिन लोगों ने उनका मुकदमा लिखा और जो उनके हवाले से बातें की, तो वो एक बात मालूम होती थी कि हज़रत अकबर के ज़माने में एक नई धज के साथ अपना एक तर्ज फिक्र अलग लेकर एक इंसान, एक नौजवान उभर रहा है। और अल्लामा अकबर ने भी उनकी बहुत तारीफ की, अब्दुल अज़ीम सरर हैं और अकबर इलाहाबादी वगैरह। तो उस वक्त ज़ाहिर इंसान को खुद अपना अंदाज़ा नहीं होता कि वो किस मकाम पर है, वक्त उस बात का तयन करता है। और जोर साहब जब कहते हैं कि 100 साल बाद आएगी जिसकी ज़मीन पे फसल, मैं बदनसीब वो समरे न रसीदा हूँ। अब देखिए इधर उनको तो अंदाज़ा था कि वो 100 साल के बाद, शायद वो भी उनको यकीन नहीं होता, और अपनी ज़िंदगी में वो ये कहते रहे कि मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं शायद हूँ भी या नहीं। और ये वक्त इस बात का तयन करता है। तारीख, वक्त गुजरता है, वक्त के साथ साथ लोग तबसरा करते हैं, देखते हैं, खंगाला जाता है, एक मीज़ान पे तोला जाता है, उसके बाद उस शायर का मकाम मुतय्यन होता है किसी जगह पे। अब जोर साहब का चूंकि ये यौम विलादत है, तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कि जोर साहब का, उसको आप क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम, जैदी साहब के जिसको हम रिवाइवल कहते हैं, उसको हम उर्दू में क्या कहेंगे मुनासिब जो लफ्ज होता, कि उनका रिवाइवल हो रहा है। और ये बहुत खुशी की बात है कि इस वक्त आप भी मौजूद हैं वहाँ पर, और हम भी, मैं भी उनकी पोती हूँ, और हमारे सामने उनका रिवाइवल शुरू हो चुका। जो सबको समझने में वक्त लगा या उनसे कोताही बरती गई, तसाहुल किया गया, मुझे इसके बारे में ज़्यादा मैं सनत के साथ बात करती, लेकिन जोर साहब एक उनके साथ सर पे नज़र करके आप गुजर नहीं सकते हैं। जोर साहब एक आफाकी शख्सियत हैं। अगर वो एक तरफ मनाजिर फितरत हैं, तो वो शायर मजदूर भी हैं, शायर इंसानियत भी हैं। हुब अहल बैत का जो सबूत, बयान सबूत, उनके वो मस्तिये हैं, वो मुसद्दस हैं, जिनमें उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन के हवाले से उनकी शहादत को एक बहुत बड़ी अजीम कॉज के तौर पे देखा। और उन्होंने ये कहा कि देखें, आप ये जो आहू शेवन करते हैं, उसके बजाय उस कुर्बानी के जज्बे को देखें जिसके तहत, जिसके नज़रिए, जिस दीन की पासदारी के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, उस कॉज को लेके आप चलें, और रोने धोने के बजाय उनको आप दाद दें। और हज़रत इमाम हुसैन ने मौत को लोगों के सामने साबित किया कि मौत को कैसे गले लगाया जा सकता है इतने बड़े कॉज के लिए। तो जोर साहब का फील इतना बड़ा है जैदी साहब के, मैं नहीं समझ सकती कि मैं 10 उनके दीवान खंगाल लूँ और चीज़ें देख लूँ, लेकिन मुझे, मैं ये तायुन नहीं कर पाती। और आखिर मैं सिर्फ इस नतीजे पर पहुँचती हूँ कि जोर साहब का जो जज्बा है, या उनका दीन है, या उनका ईमान है, वो इंसानियत है। वो सिर्फ इंसान से मोहब्बत करते हैं बिला तफरीक। वो जिस जगह पे भी है, वो कभी भी उन्होंने नहीं सोचा कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, इंसान बहरहाल इंसान है। इंसान से मोहब्बत करना है, इंसान की कदर व कीमत का तयन होना चाहिए। जब एक जो साहब एक बात करते हैं अपनी, उनकी पूरी रुबाई तो नहीं सुनाऊंगी मैं, कि इंसान से इंसान है कब से आगाह, अल्लाह से इंसान है कब से आगाह, इंसान को इंसान से आगाह करो। अब ये जो इंसान से, अल्लाह से तो हम बाकी भी हैं, जब से हम होश संभालते हैं हमारे कान में है कि हमारा खुदा एक है, रसूल एक है, हमारी आसमानी किताब एक है, कुरान है। लेकिन इंसान दुनिया में, जमाने भर में इब्तिला का शिकार हैं, तकलीफ़ों का शिकार हैं। हम अपनी खरमस्ती में, अपने जुनून में, जोश में, हम उस तरफ नज़र करना नहीं चाहते। हम इंसान पर नज़र करें, इंसान के दुखों को समझने की कोशिश करें, उनको अपने गले से लगाएं। तो मैं समझती हूँ कि ये दुनिया में जो अफरा तफरी, ये जो खून कताल है, जितना कुछ भी है, एक अच्छा शायर इंसानियत के जख्मों पे मरहम रखने के लिए उसका कलाम
बहुत बड़ी कीमती चीज है अगर उसकी कदर कीमत समझी जाए। और जहां तक अगर देखें उनका पैगाम इंसानियत है, जो मैं बिल्कुल निचोड़ आकर मैं निकालती हूँ कि जो साहब जब कहते हैं कि ऐ दोस्त दिल में गर्द कुदूरत न चाहिए, अच्छे तो क्या बुरों से भी नफरत न चाहिए, कहता है कौन फूल से रगबत न चाहिए, कांटे से भी मगर तुझे नफरत न चाहिए, कांटे की रग में भी है लहू सब्जादार का, पाला हुआ है वो भी नसीमे बखार का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी जो साहब जब ये फूल और कांटे की बात करते हैं तो मैं जहां तक समझती हूँ कि फूल और कांटे की निस्बत से जो एक मिसाल दी है हमारे यहाँ, उसकी मिसाल हमारे अच्छे बुरे गरीब अमीर अनपढ़ पढ़ा लिखा हर तरह का इंसान है जो पूरी आफाक को अपनी लपेट में लिए हुए है, इंसान की कदर कीमत। और जो साहब के सबसे बड़ा जो पैगाम कि वो सरहदों को नहीं मानते, जो हमने इंसानों ने अपने ज्योग्राफी और फवायद के लिए जो लकीरें खींची हैं उससे वो बिल्कुल कतन इनकार करते हैं। इसीलिए उनकी जो नज्म है कि बोल एक तारे झन 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 झन, एक तारा एक तार है, कुदरत ने एक लड़ी में इंसान को पिरोया है और जो साहब उसी लड़ी में पिरोए हुए इंसान है और उसी इंसान से मोहब्बत करते हैं। और मैं समझती हूँ कि जो इंसानियत से मोहब्बत करता है उसका नाम सा कयामत जिंदा रहता है, जो इंसान से मोहब्बत मुरवत रवादारी का सलूक करता है। तो मैं समझती हूँ कि इससे बढ़कर इंसान के लिए कोई भी जज्बा नहीं है कि इंसान इंसान से मोहब्बत करता है। क्या अच्छी बात, क्या अच्छी बात कही आपने तवसुम साहब आज। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी रूबरू जो बात हो रही है आज, आपने जो इमाम हुसैन के हवाले से बताया उनका पैगाम उनका आफाकी था, नौ इंसानियत के लिए था जोर साहब का। और आप ही ने अभी जिन जिन पैगामात की तरफ इशारा किया उसमें जोर साहब के दो मिसरे हैं कि इन आंसुओं में बहाए बगैर तख्त यजीद फकत हुसैन पे आह फगां से क्या होगा। एग्जैक्टली यही बात मैं सुनाना चाह रही थी कि वही वो सरे यजीद उतारे बगैर ए यारो, सरे यजीद उतारे बगैर ए यारो, यारो फकत हुसैन पर आह फगां से क्या होगा। मजा तो जब है कि सहने चमन पे छा जाओ, शिकायतें रविशे बागबान से क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीन डूब गया तो गुमा से क्या होगा, जमीन से जो ना हुआ आसमान से क्या होगा। वाह 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 वाह। बड़ी उम्दे बातें उनकी, छोटी छोटी बातें। और उनकी जिंदगी में भी देखिएगा, अभी अजीज जदी साहब आप बात कर रहे हैं क्योंकि जोर साहब का पैगाम हम पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक। तो मैं एक बहुत ही छोटी सी मिसाल जो दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ कि जोर साहब किसी भी अखबार से मतलब अपने हैसियत में अपने रुतबे में मर्तबे में हुकूमती सतह पे भी अच्छा रुतबा गाड़ी चीजें सब मौजूद, लेकिन अगर एक दिन अगर उन्होंने किसी हजाम को वक्त दिया है कि सुबह हजाम को 8 बजे बुलाना है, मैं खत बनवाऊंगा और बाल तरसवाने हैं, अब अगर वो नाश्ता कर रहे हैं और उनका दूध ओवल्टीन रखा है और मैंने कहा कि 8 बज गए रे पख्तोरी, वो हजाम को बुलाया था, हजाम आ जाओगे, हाँ बाबा बाहर बैठा है आप दूध तो पी लीजिए, नहीं नहीं इतनी नामाकूल बात है ये, किसी आदमी को वक्त देकर उसका वक्त पर बात करता, क्या बात। अब आप वो सोचिए कि ये मैं 1980 की बात कर रही हूँ, 82 में उनका इंतकाल हुआ है, तो कितनी कुछ होगी उजरत, 3 रुपए 4 रुपए हजाम की घर में आता होगा, 5 रुपए लेता होगा। लेकिन उसकी वक्त की कदर कीमत समझना, ये नहीं समझते थे कि मेरे ही वक्त की कीमत है, दूसरे की भी कीमत है। और दूसरा जो मैं अभी पैगाम के जरिए बताना चाहती हूँ बात, कि जोर साहब में एक जज्बा बड़ा बहुत कूट कूट से भरा था कि अगर उनके पास किसी आदमी ने कहा कि जोर साहब हमारा ये काम है
हमारा यहाँ पर तबादला हो गया, दूर से हो गया किसी जगह, शहर से दूर अपने बच्चों से करीब रहना चाहते हैं। अच्छा साहब, पखतौरी डायरी में चीज़ें लिख लो, और सुबह किन से बात करना है मुझे बता दें, मैं बात करता हूँ। सुबह होती थी, अब वो नाश्ता करने के साथ उनका टेलीफोन और मिनिस्ट्रियों में फ़ोन और 1 7 से नंबर लिया जा रहा है और लोगों को फ़ोन किया जा रहा है या लोगों के लिए सिफारिशों के लिए जा रहे हैं वो। हालांकि कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं थी उनके लिए, लेकिन किसी के काम आना उनके लिए है ना इंसानियत का। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जहाँ तक देखे, अब ये जो साहब ने जब कहा कि उनको इस बात का एतराज़ था, उनको अंदाजा था, अजीत गर्दी था कि जो साहब का बस ज़रा दूर है, ऐसा दूर है लोगों को समझने में, क्योंकि वो कहते थे शायद जिस जैनी सतह से सोचता है अवाम की सतह वहाँ तक नहीं होती, वहाँ तक पहुँचने में वक्त लगता है, इसलिए अगर उनके साथ कोई नारावा सलूक भी होता था या कुछ नहीं भी समझ पाता था कोई, उसका बुरा नहीं मानते थे वो। हाँ, एक दो बातें जरा अगर आप चाहें तो मैं अजराए मजाक कुछ उनकी बातें कुछ छेड़ना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप शेयर कीजिए ये पैगाम जो है, ये हम चाहेंगे कि उनकी सालगिरह की एनिवर्सरी के मौके पे पहुंचे लोगों तक। और होता ही जी 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 फरमाइए भाई, इस वक्त गुफ्तगू हमारी हो रही है तबस्सुम साहिबा से, और चार मिसरे जोश साहब के सामने हैं और बचपन से याद हैं, तो इसमें ये फरमाइए कि ये तबस्सुम जू मानी है या कि ये तस्करा जिस मानों में उन्होंने लिखा है वो तो है, लेकिन आप भी उनके साथ साथ थी कि गुंचे तेरी जिंदगी पे दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। ऊंचे ने कहा कि इस चमन में बाबा ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। वाह 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 वाह, ये तो भाई बहुत बड़ा उम्दा आपने ये बात की। इससे तो मुझे अपना पहली जो गजल मैंने कही थी पांचवी छठी जमात में, उसका मुझे अपना लतीफा खुद भी याद आ गया। जब मैंने छठी जमात में मैंने रात को मैं कुछ मुझे नहीं मालूम कि मुझ पे शेरों का नुजूल हो रहा है, मैं कुछ लाइनें लिखती जा रही हूँ। जब मैंने 3:15 बजे मैंने जब देखी उनकी तख्ती की, तो मैंने कहा भाई मैंने तो गजल कह दी, अब मैं क्या करूँ। मैं बड़ी परेशान, हाँ मैं बड़ी परेशान, मैंने उंगलियों पर उसको क्योंकि वालिद साहब से बचपन से, क्योंकि वो भी शेर कहते थे, जोश साहब भी कहते थे, तो बचपन से वो शेर और शायरी और चीज़ें घुटी में पड़ी हुई थी हमारे, तो मैंने उसको तख्ती करने की कोशिश की अपनी उंगलियों के टिप्स के ऊपर, तो मैंने देखा ही तो अजान भी पूरे हैं और रद्दीप काफिया भी पूरा आ रहा है, ये क्या हो गया भाई। और जब मैंने पूरा साफ करके लिखा तो वो गजल थी पूरी। तो ये किस 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 उम्र की बात है? 12 साल की उम्र में। क्या बात है, क्या वो एकाध शेर याद है उस वक्त का? नहीं, मैं उसका पहले लतीफा सुना दो, फिर शेर भी हो जाएगा यकीन। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए सुनाइए। लतीफा ये हुआ कि 3:30-4 बजे जोश साहब बेदार होते थे, अपने कुल्लियाँ उल्लियाँ की, पान वान डाला, बाथरूम वगैरह से होके पान मुँह में रखा, और वो उठ के अपने लैंप ऑन करते थे और लिखने पढ़ने बैठ जाते थे। जैसे स्कूल के बच्चों को सबक याद करना होता है ना, इसी तरह से उनका बरसों का मामूल था सुबह उठते थे। तो मैं बड़े डरते डरते हाथों में पुर्जा मोड़ा हुआ डर रही हूँ, तो मैं कैसे दिखाऊँ, मैंने इतनी सी बच्ची इतने बड़े आदमी मैं क्या बात करूँगी। तो मैंने हाथ में कागज पकड़ा, मैंने कहा आदाब बाबा। अरे पखतौरी तुम जाग रही हो? जी बाबा। तो मैंने उसके बाद मैंने डरते डरते यूं कांपते हुए हाथों से कागज सामने रख दिया, मैंने बड़े गौर से देखा, अरे पखतौरी तुमने क्या है शेर? मैंने कहा जी बाबा। अब मैं उस खौफ से कि कहीं मुझे डांट पड़ने वाली, मैं चुप रही। मैंने कहा शेर अच्छे हैं, रिवायती अंदाज के हैं लेकिन अच्छे हैं, रदीप काफिया भी अच्छा है। मैंने कहा अच्छा। अब पढ़ने लगे वो, अब मजे का लतीफा जो आपने अभी तबस्सुम वाली बात की उसके ऊपर हो रहा है। तो मैंने शेर कहते जो पहला टेक था मेरा, कि सदा हम मोहब्बत में रोते रहे, गमों को खुशी में समोते रहे। वाह,
अच्छा, अब तीसरा मिसरा मुलाहिज़ा कीजिए, बचपने की जो भूल होती है कि मैं चूंकि लड़की थी तो मैंने समझा कि तबस्सुम मोनस होती है, तो मैंने कहा कि लबों पर तबस्सुम, लबों पर तबस्सुम थी, आंखें थी नम, हर एक दर्द को हम यूं धोते रहे। तो वहां वहां पकड़ हुई कि वहां पकड़ो लबों पर तबस्सुम थी, आंखें थी नम, हर एक दर्द को हम यूं धोते रहे। तो जोश साहब ने कहा लस तो तबस्सुम मुजक्कर होता है, तो थी को मिटाकर उन्होंने था कर दिया, और दूसरे मिसरे को हर एक दर्द को हम यूं धोते रहे तो उन्होंने कहा हर एक दर्द को हाय धोते रहे। वाह वाह वाह, देखिए तो मेरी एक एक लफ्ज जो है और उससे बात कहां से कहां पहुंच जाती है। तो कहां से कहां बात है कि मैं आपको एक उसमें लतीफा भी सुनाऊंगी ताकि फिर आप उसको और इंजॉय करें। यहां पर हमारे यहां पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स में एक बहुत बड़ा नाम था प्रोफेसर परीशान खटक का। जी प्रोफेसर परीशान खटक 1987 में उनके दफ्तर जाना हुआ और मुलाकात हुई तो वो बड़े मिलकर खुश हुए कि जोश साहब की पोती मिलने आई है, लेकिन बजला सांज आदमी बहुत थे वो, तो उन्होंने कहा कि जोश साहब ने रुबाई कही थी कि गुंते तेरी जिंदगी पे दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। उनसे ने कहा कि इस चमन में बाबा ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। तो प्रोफेसर परेशान खटक साहब ने बड़ी हाजिर जवाबी से कहा कि आप तो जानती हैं मोहतरमा कि हम पठान मुजक्कर को मोनस और मोनस को मुजक्कर कहते हैं, तो हम कहेंगे ये एक तबस्सुम भी किसे मिलती है। ये बड़ा अच्छा लतीफा भी हुआ वहां पर, देखिए एक तबस्सुम पे कितनी बातें निकली है, देखिए अब आप। बिल्कुल बिल्कुल, दो लतीफे, एक तो मेरा ही लतीफा जो मेरी बेवकूफी हुई थी, फिर परेशान खटक साहब का जो बड़ी उम्दा बात थी उनकी कि पठान जो है वो तो मोनस कहते हैं मुजक्कर को। तो खैर बहरहाल है कि जोर साहब की लोगों ने, लोगों जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं अजीज गाजी साहब, वो जोर साहब से बिला तफरीक मोहब्बत करते हैं उनकी खूबियों खामियों समेत। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि जोर साहब बजात खुद इंतहाई मासूम आदमी, इतने मासूम आदमी कि अगर आप उनसे मजाकन कह दें कि आपने जो 100 रुपये सौदे के दिए थे उसमें से 50 रुपये के एक पाव लीमू आ गए 1978 में, तो कहेंगे अरे बाप रे बाप गजब हो गया, इतनी महंगाई हो गई है। इतने मासूम आदमी थे, इसमें तो कोई 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 दो बातें नहीं है, कोई दो बातें नहीं है। ये बताइए कि आप आप की पहली जो याददाश्त है अपने दादा के साथ, वो पहली चीज कोई ऐसी जो याद हो कि जब होशो हवास में आई तो किस वक्त आपको ये एहसास हुआ कि आपके दादा जो हैं वो एक अजीम शायर भी हैं, आपने जैसा कहा बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान थे, बहुत ही सादा और भोले इंसान थे। मैं आपको बताती हूँ, देखिए असल में इस बात का एतराफ होना कि वो बहुत बड़े आदमी थे या बहुत बड़े शायर थे, ये बहुत बात की बात है। जब वो कभी भी मिलने के लिए अपने मकान से करीम आबाद से पापोज वाले मकान में आते थे तो जो उनकी शख्सियत होती थी बड़ी मतलब कि हैरान कन थी। वो सफ़ेद कुर्ते पजामे में, उजले पजामे में, क्लीन शेप, साफ सुथरा, अच्छा बच्चा चेहरा, सेहतमंद तनोदोश, अच्छा जिस्म उनका। तो मेरे भाई ने एक दिन मुझसे कहा कि बेबी बात सुनो, मैंने कहा क्या जी, तुम बताओ ये अल्लामिया कैसे होते हो, कैसे लगते होंगे। तो ऐसा पता नहीं कि मुझे क्या, अच्छा हम हिंदुस्तानी लोग हैं तो हम लोग उस वक्त मैं नहीं करते थे, हम कहते थे हमें क्या पता। मैंने कहा हमें क्या पता तो उसने कहा पता है मुझे क्या लगता है। मैंने कहा क्या, कहते मुझे लगता है अल्लामिया बिल्कुल बाबा जैसे होते होंगे
क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। में बिल्कुल बाबा जैसे लगते होंगे। तो ये भी देखे कॉन्सेप्ट था बच्चे का कि उसने वो खूबसूरत शख्सियत देखे अल्लाह मियां उनको समझा। अच्छा अब मेरी जो पहली याद मैं आपको बताती हूँ, जिस वक्त बात हुई है वो बहुत बचपने की, इतनी हिमाकत आमेज बात कि जिस पर शायद आप भी हंसे और मैं भी अभी तक हंसती हूँ सोच के। अब मेरे वालिद साहब भी हंसा करते थे। एक मकान में जोर साहब थे और मैं और वालिद साहब उनके घर गए वहां पर। तो अब बच्चे हमारे यहाँ पापोश में बच्चे गुल्ली डंडा खेलते थे, तो मैंने भी अपने बैग में रख लिया हम भी खेलेंगे। वो मेरी फूफी साहब बहन के बच्चे होते थे, हमने कहा हम खेलेंगे जाके। अब वो साथ में लेके चली गई, बच्चे पता नहीं कहाँ से, याद नहीं मुझे। अब जोर साहब दोपहर को आराम करने के लिए उठ गए। अब मैं अकेली वो बरामदे में, शेड वाला बरामदा था, मैं ठक 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 कर रही हूँ। इतनी देर में देखा बनियान और लुंगी में जोर साहब चले आ रहे हैं। अरे भाई चिकनी ये क्या कर रही हो? तो मैंने कहा बाबा गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, ये क्या होता है? तो मैंने कहा आए बाबा हम आपको सिखाते हैं। अब वो बेचारे उकड़ू बैठ गए। मैं उनका हाथ पकड़ के उनके हाथ में पकड़वा के बाबा इसको ऐसे मारते हैं, फिर यूं करते हैं। अब मैं बच्ची थी, उनको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ। अब वो मासूम बच्चों की तरह उसी तरह उकड़ू बैठ के मेरे साथ खेलने लगे। तो मुझे आज तक मैं सोचती हूँ कि यार इतना बड़ा आदमी और बच्ची से इतनी मोहब्बत इसके लिए आप बैठ के खेलने बैठ गए, ये बड़ी बातें थी, ये बहुत बड़ी बात थी। दुनिया जमाने के बड़े बड़े वजीरों से अमीरों से वो मिले होंगे, मेरी हिमाकत पे उनको हंसी आने के बजाय या डांटने के बजाय उन्होंने मुझसे प्यार से मेरे साथ खेलने में खेल। और दूसरी याददाश्त ये है कि मैं करीमाबाद के मकान में वालिद साहब के साथ गई हुई थी, तो मैं गाना गा रही थी और उस सोहेल राणा का कंपोज गाना था, अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। तो अब हुआ ये कि मैं बाहर टेरेस पे बच्ची हूँ छोटी सी गाना गा रही हूँ, तो तीसरी लाइन मुझे याद नहीं थी, तो मैं उसको करके गुनगुना के लाइन पूरी कर रही थी। तो अचानक आवाज आई सज्जाद अपनी छोटी को अंदर बुलाओ। मैं अंदर चली गई कमरे में, डर रही हूँ पता नहीं क्या कहेंगे बाबा। कहेंगे वो चिकनी वो सुना तुम क्या गा रही थी बाहर? बाबा पूरा नहीं आता, बाबा पूरा नहीं आता, हमें पूरा नहीं आता गाना। वो कहने लगे कि नहीं नहीं जिस तरह तुम गा रही थी जो भूल गई थी बाबा वो तो गुनगुना के पूरा किया था। हाँ उसी तरह सुनाओ। अब मैंने डरते डरते बंद कहा सुनाओ कुछ नहीं। जब मैंने सुनाया जब चारों लाइनें एक गुनगुना के और चौथी लाइन पूरी गा दी, तो जोर साहब ने 6-7 बरस की उम्र में मेरे लिए पेश गोई कि सज्जाद तुम्हारी ये लड़की बड़ी होकर शायरा बन। वाह वाह वाह। अब ये मतलब कितनी पुरानी बात, उसके भी 10 साल के बाद शायद मैंने या 6 साल के बाद मैंने शेर कहे होंगे। और उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी जब वो लोगों में बैठते थे और उनके मेहमानों की मैं तवाजो करती थी, तो वो बाकायदा तौर पे कहते थे मालूम है हमारी पख्तूनी भी शेर कहते थे। तो ये बताइए कि ये तखल्लुस पख्तूनी कैसे पड़ा आपका? दो नाम है मेरे, बचपन में उन्होंने मेरा नाम रखा चिकनी। इसकी वजह ये थी कि बचपन में मेरी आवाज बहुत बारीक और बहुत तेज थी, तो कहते थे भाई चिकनी को बुलाओ। कई 7 बरस तक मैं चिकनी रही, फिर मालूम नहीं क्या हुआ फिर भाई तुम्हारा नाम पख्तोरी होना चाहिए। तो बाबा पख्तोरी के क्या माने हैं? चलिए हम बाद में बताएंगे, बाबा बताइए ना। जब उन्होंने मुझे माने बता दिए तो मैं हंस पड़ी, बहुत हंसी। फिर आपने क्या कहा बाबा ये पख्तोरी क्या? तो उसके बाद जब उनके दोस्तों ने पूछा जोर साहब आपने ये पख्तोरी क्या नाम रखा है, माने तो बताइए, तो बाबा ने कहा पख्तोरी बता दे माने। हमने कहा नहीं बाबा नहीं, बिल्कुल नहीं बताइएगा। अपने दोस्तों से कहे डिक्शनरी में ढूंढे और ढूंढ के लाए इसके माने, बताओ कोई भी नहीं सका इस माने। वो माने मुझे ही मालूम है, मैं किताब में लिखूंगी तो उससे पता चल जाएगा, अभी तक तो मैंने नहीं बताया। नहीं नहीं बस ये बताइए कि किताब कब आ रही है आपकी और क्या कोई मजमुआ आया अभी? मजमुआ तकरीबन समझे कि मेरा सारा तैयार है, सब फाइलों में रखा है। जिस दिन मैंने कंपोजर को दे दिया उस दिन उससे 1 महीने बाद किताब आ जाएगी। कुछ मेरा तसाहुल, कुछ मसरूफियात, कुछ बीमारियां, कुछ दीगर मसाइल थे बच्चों के साथ, जरा बड़े होते हुए बच्चे थे
तो उन चीजों को मैंने पेंडिंग लिस्ट पे रख दिया था। हमें इसका इसका पूरा पूरा एहसास है। परसों भी आप की तबीयत खासी खराब थी, कंजेशन था, अस्पताल से आई और खासा हमें इस तकलीफ भी हुई कि इस गुफ्तगू को इतनी जल्दी किया जाए। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश है कि अभी अभी और बहुत बातें हैं, लेकिन ये पैगाम जोश साहब के लिए आपका जाना, रेख्ता से जाना बहुत जरूरी था। हमने सोचा एक अहम चीज है कि उनकी पोती जो है वो पैगाम दें और दुनिया आपकी जुबानी ये पैगाम सुने आपका। जी जी बिल्कुल। बस अगर आप, क्योंकि अगर आप वाइंड अप कर रहे हैं तो मैं फिर जोश साहब की दो रुबाइयात पर उसको, लेकिन नहीं नहीं हाँ याद आया मुझे, याद आया। जोश साहब के इंतकाल के 3 महीने बाद मैंने 3-4 फेर बहुत रंज के आलम में, जब मुझे वो ख्वाब में दिखाई दिए, जब बहुत ज़्यादा मैंने उनको मिस किया, तो ख्वाब में मुझे और मेरी हमशीरा तरन्नुम और मैं तबस्सुम, हम सबसे बहुत मोहब्बत करते थे जोश साहब। बड़े भाई फिर बड़ी हमशीरा जिन्होंने कराची में जोश मेमोरियल कमेटी बनाई और बहुत काम किया, लेकिन जिंदगी ने उनसे वफा नहीं की और वो लिवर एब्डोमेन कैंसर में बहुत जवानी में मर इन्नल्लाह वो चली गई और बड़े भाई का हार्ट फेल हो गया, वालदेन तो नहीं जा चुके। अब हम 3 बहन भाई, एक छोटा भाई फवाद, एक मैं, एक तरन्नुम, हम 3 हैं जो साथी निशानियों में से। तो तरन्नुम ने भी कहा था कि जो भी बातचीत होगी वे मेरी तरफ से उन सबको इस प्रोग्राम के इनेकाद पर बहुत बहुत मुबारकबाद पहुँचाइएगा। काश के मेरे पास उस वक्त इंटरनेट होता या मैं वहाँ होती तो मैं भी कुछ बात कर सकती आप लोगों से, और आप लोगों का शुक्रिया भी खसूसी तौर पर अदा कर सकती कि जोश साहब के सिलसिले में आपने इतनी खूबसूरत तकरीबात का इंतजाम किया है। अब हमारा हमारा भी उन्हें सलाम सलाम पहुँचाए। आप वो अशार अगर आज पहुँच जाए जो आपने जोश साहब की वफात पे लिखे तो क्या अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत रंज के साथ मैंने कहा था कि मेरे बाबा मुझे सीने से लगा लें अपने, मेरे बाबा मुझे सीने से लगा लें अपने, तेज तूफान है साए छुपा लें अपने, मेरी आंखों से परस्ती हसका अच्छा, दिल के टुकड़े को कलेजे से लगा लें अपने, क्या अब कोई भी तो मेरे गम पे नहीं अफसरदा, रब से कहकर ही मुझे पास बुला लें अपने। और पता नहीं अब तो आवाज पे इसे मुकरर कर दीजिए एक दफा, और आवाज आपकी कुछ धीमी हो गई थी तो हम सोच चाहेंगे कि एक दफा और मुकरर कर दीजिए। कौन सा सुना रही थी मुझे, हाँ, मेरी आंखों से बरसती है घटा आंखों की, जी जी, दिल के टुकड़े को कलेजे से लगा लें अपने, अब कोई भी तो नहीं गम पे मेरे अफसरदा, रब से कहकर भी मुझे पास बुला लें अपने। और एक शेर जो मुझे यूं लगता था जैसे मैं शेर कहूंगी और अगले ही को लम्हों में मैं मर तक पहुंच जाऊंगी, कि मैं भी कुछ रोज यहाँ रह के वो मैं भी कुछ रोज यहाँ रह के चली आऊंगी, और कोई दिन मेरी फुर्सत में बिता लें अपने। क्या बात, अजीब अजीब जैदी साहब, यकीन कीजिए कि उनका मरना ऐसा था, जिस वक्त 5वें दिन वो हॉस्पिटल में थे और जब उनके पैर पकड़े हुए ठंडे बर्फ जैसे पैर, डॉक्टर ने कहा कि उनकी किडनी भी फेल हो गए, अल्सर भी बस्त हो गया, हार्ट बीट भी स्लो हो गई, पेस मेकर भी लग चुका था और वो उखड़ी उखड़ी सांसें लेते थे। और जब मैं उनके पैरों को पकड़ के जब मैं रो रही कि बाबा मैं और नहीं जी सकती आपके बगैर, आप जाइएगा नहीं मुझे छोड़ के, तो बहुत रंज का वक्त था वो। और एक बात जो मैं आपके सामने सबके आपकी वसाकत से कहना चाहती हूँ, बहुत रंज के साथ कहना चाहती हूँ, कि जिस ज़माने में जोश साहब ब्लैक लिस्टेड थे तो जोश साहब का कलाम, जोश साहब की चीज़ें, तख्लीकात, न सिर्फ ये रेडियो टीवी सब पे बैन थी
بلکہ جو ادبی تک جو موضوعات یا تبصرے یا بات چیت ہوتی تھی تو وہاں یہ خاص انسٹرکشن جاتی تھی کہ جورج صاحب کا نام ذکر میں نہیں, یہ بہت تکلیف دہ بات تھی, بہت تکلیف دہ بات تھی. اور جس دن جورج صاحب کے انتقال سے دو دن پہلے حکومتی ارکان کے کہنے پر جورج صاحب کے لیے پی ٹی وی والے دوڑتے بھاگتے کیمرے لے کے جب وہ آئی سی یو تک پہنچے, اس وقت میرا غصہ دید نہیں تھا, وہ مر گئے ہیں اور محمد رضی صاحب مرحوم ان کو یاد ہے. میں نے کہا تھا کوئی بھی یہاں نہیں آئے گا, آئی سی یو میں کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا, میں ان کی بے بسی ان کی اکڑی اکڑی سانسیں آپ لوگوں کو نہیں دکھاؤں, یہاں تک پہنچانے والے آپ لوگ سے میں کوئی ویڈیو نہیں بنانے دوں گی, کوئی تصویر نہیں بنا, بالکل اور سختی کے ساتھ میں نے کہہ کے میڈیا کو واپس کر دیا. اس میں دیکھیے کوئی دو باتیں نہیں ہیں کہ بڑی زیادتی ہوئی اور ہم نے شاید کسی اور گفتگو میں بھی ہلال نقوی صاحب سے شاید بات ہو رہی تھی یا کچھ اور حضرات تھے جن سے بات ہوئی, ڈاکٹر عالیہ امام سے بات ہو رہی تھی تو یہ وہاں بھی یہ کہا کہ بے انتہا منافقت ہوئی جورج صاحب کے ساتھ. بات اور پہنچانا چاہتی ہوں, منافقت تو ہوئی سو ہوئی اس وقت ہوئی نا, لیکن اب جان بوجھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ صورت کی تمازت کو دبیس پردوں ساتھ چھپا لیں گے, ہر آدمی اپنی بات کر لینا چاہتا ہے اور گزر کے سر پہ نظر کر کے, میں نام نہیں لینا چاہتی کہ حضرت اقبال کے بعد کن لوگوں کا نام آنے کے بعد جورج صاحب کا نام ذکر ہی نہیں ہوتا, جیسے جورج صاحب تو صحیح نہیں, یہ افسوس ہوتا ہے اس بات کے اوپر. اور آپ لوگوں کی کاوشوں کو میں سلام پیش کرتی ہوں, آپ لوگوں کو, تمام لوگوں کو جو جورج صاحب سے محبت کرتے ہیں. دیکھیے جو میں ان کے لیے بہت عقیدت کا میرے لیے پیغام آپ لوگوں کے لیے, جی فرمائیے. جورج صاحب کی جورج صاحب سامنے نہیں ہے لیکن ان کی صدی شروع ہو رہی ہے, اور یہ جو تحریک ہے یہ دیکھیے آپ بہت آگے جائے گی. آپ کی بیٹیاں بھی ہیں ماشاءاللہ سے, اور یہ چار مصرے ہم ان تک بھی پہنچانا چاہیں گے اور ہمارے جو سننے والے ہیں کہ آج سے 70 برس پہلے جورج صاحب کی ایک ربائی ہے, اس وقت کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ جو انسان کے اعضا ہیں وہ آرٹیفیشلی بن سکتے ہیں اور جسم میں لگ سکتے ہیں. جی اس وقت ان کا یہ ویژن ہے, اور کہتے ہیں کہ جب عمر لگے گی جاویدانی ہم کو, جب سجدہ کرے گی بے قرانی ہم کو, سبحان اللہ, اس منزل آخری میں حاصل ہوگی اپنے اعضا پہ حکمرانی ہم کو. سبحان اللہ کیا کہنے بھائی, کیا کہنے. یہ بچوں کے لیے ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ 100 سال آگے کی چیز دیکھ رہا ہے, 100 سال آگے کے لیے لکھ رہا ہے, ایک عالم انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ آپ تحقیق و تجسس جو ہے, یہ دو مصرے ان کے ہیں کہ تحقیق و تجسس کی مذمت نہ کرو, پارینہ روایات کی حرمت نہ کرو. تو یہ جو آپ کے دادا تھے ان کی فکر جو ہے وہ تو اب لوگوں کی سمجھ میں آنی شروع ہوئی ہے, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے, بد نصیبی ہے ان لوگوں کی جن کے دور میں وہ رہے اور انہوں نے ان کی قدر نہ کی. اب یہ جو آپ نے بات کی سائنٹیفکلی بات کی, بڑی عجیب سی بات, اس کے اوپر مجھے ان کی یاد آ گیا ہے وہ چار مصرے کہ بے وجہ نہیں ہے یہ پھڑکنا دل کا. واہ واہ واہ, بے وجہ نہیں ہے یہ پھڑکنا دل کا, یوں آگ کے مانند پھڑکنا دل کا, ہاں زیست کا قفل توڑ دینے کے لیے ضربات مسلسل ہے دھڑکنا دل کا. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا خوبصورت شعر, کیا چیزیں بھائی, میں تو حیران ہوتی ہوں. اور میں ضربات مسلسل ہے دھڑکنا دل کا, واہ واہ واہ, ہاں زیست کا قفل توڑ دینے کے لیے ضربات مسلسل ہے دھڑکنا دل کا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو صاحب دیکھیے یہ کہتے ہوئے دنیا سے آرام سے
बगैर किसी रंजो गम के उठ गए कि ऐ शायरे दाना खसो खाशाक ना बन, ऐ शायरे दाना खसो खाशाक ना बन, ना बन अक्तीर है तू सर ना झुका खाक ना बन। वाह 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 वाह। आइंदा जमाने की अमानत होशियार, आइंदा जमाने की अमानत होशियार, उठ लम्हे मौजूद की खुराक ना बन। लम्हे मौजूद की खुराक कभी नहीं बने, बन सकते ही नहीं थे और कोई बना ना सका उन्हें आज तक, बना नहीं सके ना। यही तो कॉम्प्लेक्स खा गया लोगों को कि जो साहब झुके क्यों नहीं, झुकना किस लिए था भाई। जो दिमाग में कितना मुझे दुख होता है कभी कभी, कहते उनको पढ़ते हुए जब वो नक्काश से उन्होंने कहा कि शायरी पे और अल्फाज की भरमार की तुम जो इल्जाम तराशी करते हो मुझ पे और ये करते हो वो करते हो, और जो मैं लिखता हूँ तुम्हें क्या मालूम कि अंदर क्या क्या फीलिंग होती है मेरे। उससे उस नज्म के आखिर में ये कहा ना उन्होंने कि शेर को जो जिस तरह कहना चाहते हैं वो कह फिर भी नहीं पाते, ये कौन जाने शेर ये कैसे थे और कैसे नहीं, कौन जाने शेर ये कैसे थे और कैसे नहीं, दिल समझता है कि जैसे दिल में थे वैसे नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या कुछ कहना चाहते होंगे और कैसे कहना चाहते थे, वो कहते थे कि मुझे अल्फाज कम पड़ जाते हैं, लोग कहते हैं कि अल्फाज से बात चाहते वो। देखिए चार, एक चार मिसरे आप ही के हैं दादा के, और हम चाहेंगे कि जब तक हम ये चार मिसरे आपको सुनाएं क्या वो आपके सामने है बंद, कैसे कोई अजीज रिवायत छोड़ दे। हम चाहेंगे कि आपकी आवाज में वो चीज पहुंचे। कौन सा? कैसे कोई अजीज रिवायत छोड़ दे, कुछ खेल है कि कोहना हिकायत छोड़ दे, घुट्टी में थे जो हल वो ख्यालात छोड़ दे, माँ का मिजाज बाप की आदत छोड़ दे, किस जी से कोई रिश्ते या ओहाम तोड़ दे, विरसे में जो मिले हैं वो असनाम छोड़ दे। क्या कह रहे आपने पहले कहा होता तो मैं कंपोज करके रख लेता। हम पूरा कर देते हैं इसको कि किस जी से कोई रिश्ता है ओहाम तोड़ दे, विरसे में जो मिले हैं वो असनाम तोड़ दे, ओहाम का रबाब कदामत का अरगुनू, फरसूदगी का सहर रिवायात का फसू, अकवाल का मिराक हिकायात का जुनू, रस्मों रिवाजों सोहबतों मीरासो नस्लो खून, अफसोस ये वो हल्का दामे ख्याल है जिससे बड़े बड़ों का निकलना महाल है। ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत ही मुश्किल काम है, और इस ये तरह की रिवायात से बगावत कर लेना और उस पे डट जाना और लोगों से खौफजदा ना होना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन जो साहब जैसे मजबूत आसाब के मालिक है वही कर सकते थे, हम और आप नहीं कर सकते दिल जैसे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। देखिए डीएनए का कॉन्सेप्ट तो अब आया ना कि डीएनए है और उसमें ये एलिमेंट्स हैं और इस तरह से जो है वो सेल की फॉर्मेशन हुई और मल्टीप्लाई हुई और इंसान में क्या क्या असनाफ आई, कहाँ से आती हैं और डीएनए में क्या क्या चीज मुंतकिल हो जाती है माँ बाप से बच्चों में। एक मिसरे में डीएनए को डिफाइन कर गए आपके दादा के, रस्मों रिवाजों सोहबतों मीरासों नस्लों खून, इसके अलावा क्या है इंसान में? कुछ भी नहीं है। एक मिसरे में पूरी चीज जो है पता नहीं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता दिल जैदी साहब कि वो कौन सी बात किस उपज से कहा करते थे। मुझे तो जब गौर से सोचती हूँ कि देखो दुनिया कितनी आगे निकली है, अब भी वहां तक नहीं पहुंच सकी। नौ इंसानी पे भी चार मिसरे जो हैं आपके दादा के और ये उनकी फिक्र के अलम्बरदार हैं मिसरे कि आदमी को जो गिजा देता नहीं इदराक की, उम्मतों का मुक्तदा बनता नहीं वो आदमी। क्या कहने क्या कहने, आदमी को जो गिजा देता नहीं इदराक की, उम्मतों का मुक्तदा बनता नहीं वो आदमी, किबला गाह उस शख्स को इंसान बना सकता नहीं जो बशर की फिक्र को आगे बढ़ा सकता नहीं। अब कौन समझाए इसको,
देखिए जी साहब कौन समझाएगा, ये हम सब मिलके समझा रहे हैं और ये समझ में आना शुरू हो गया है नौ इंसानी की कि जोश साहब जो हैं वो अगले 100 साल के लिए थे और पिछले लोग जो ना समझ पाए उन्हें वो सब अब तेजी से आ रहे हैं जोश साहब की तरफ। ये पैगाम बढ़ेगा आगे, आप इंशाल्लाह आपके बच्चे आप अपनी जिंदगी में देखेंगी कि जोश का रिवाइवल जो है ये हम सब मिलके करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मुझे तो बहुत खुशी आपसे बात करके हुई कि इतना ह्यूस्टन जैसी जगह में बैठ के, हम तो यहाँ बैठे हमें तो एक तकरीब करना होती है और एक मुशायरा करते हैं या मुजाकिरा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जोश साहब का काम बहुत अच्छा हो रहा है। हिलाल नकवी साहब ने बिलासपुर पर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वसीम गुल साहब ने वे चाहे फैसलाबाद से उन्होंने भी जोश साहब पर काम किया, और अभी लोग बहुत चाह रहे हैं कि स्टूडेंट लेवल पे जो आपको की रिसर्च करें और पी एच डी करें उनके ऊपर। उनको प्रोफेसर सहर अंसारी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया था कि उन्होंने जो साहब की शायरी और शख्सियत के वो मुतनव्वो पहलू लिख के दिए थे सीरीज के साथ, जिन पर लोग अलग अलग तौर पर तहकीक कर सकते। बिल्कुल, जो साहब छोटी मोटी किताब नहीं है, वो तो बहुत बड़ा जखीरा है। हर जो बाबा खोलेंगे वहां से एक पीएचडी किया जा सकता आराम से, निसाब में होना चाहिए। एक दो मिस्रों की बात है, उन्हें मालूम था कि वो किस मुकाम पे हैं। जी जी, मुद्दत से गिरा रहा हूँ तुख्मे अफकार। हाँ, बहुत बहुत उम्दाज भाई वो है, इस धुन में के दिल अकल के शैदा हो जाए। अरे सुनाइए, आप सुनाइए से जी। हाँ, इस धुन में के दिल अकल के शैदा हो जाए, आफाक के असरार हवैदा हो जाए, मुद्दत से गिरा रहा हूँ तुख्मे अफकार, शायद के नए दरख्त पैदा हो जाए, शायद के नए दरख्त पैदा हो जाए। वाह 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 वाह। तो देखिए वक्त आ गया है और आपने जिन शख्सियात के नाम लिए, डॉक्टर हिलाल नकवी का बड़ा काम है, बड़ी बातचीत उनसे है। हमारे पाल हैदर साहब हैं अवान जोश के सिलसिले में बड़ी उनकी ख्वाहिशात हैं, अल्लाह करे पूरी हों, जो हम सब यहाँ कर सकते हैं वो करेंगे। कदा कलामी कर रही हूँ, डेरा इस्माइल खान से थे डॉक्टर याह्या अहमद जी, वो हिलाल साहब जानते हैं उन्हें, उन्होंने जोश साहब की लिसानिया से पीएचडी किया, और डॉक्टर वसीम गोल जो हैं उन्होंने जोश साहब की गजलियात के ऊपर किया, अब जोश के फरहंग के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं बहुत उम्दा। शायद अकील अब्बास जाफरी को उन्होंने काम दिया था अपना, उनके नज़दीक शायद इतना बड़ा काम नहीं था, लेकिन फरहंग पे काम शुरू किया उन्होंने और उसका पीएचडी का कुछ सब ऐसे काम वो। तो मैं समझती हूँ कि जोश साहब की शख्सियत को सिर्फ ये समझने के लिए कई मतलब मैंने एक चीज देखी है कि वो लोग या वो शायर जो बैठकर शेरो शायरी करते हैं या बहुत बोल्ड बातें करते हैं, और वो अगर एतराज ना हो तो लफ्ज इस्तेमाल कर सकती हूँ कि मैनोशी भी कर सकते हैं, मैनोशी करते हैं, तो वो समझते हैं कहते हैं हम जोर साहब की तकलीफ कर रहे हैं। तो मैंने कहा सिर्फ जोश साहब मैन औशी नहीं किया करते थे, वो खाली कोई ऊट पटांग बातें या कहकर नहीं बिखेरा करते थे, उनकी फिक्र तो बहुत गहरी थी। अगर तकलीफ करना है तो उनकी आप डेथ में जाकर उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए जोश साहब को, जैसे उन्होंने कहा ना कि अल्फाज के सर पर नहीं उड़ते मानी, अल्फाज के सीने में उतर कर देखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल जो आपने फरमाया अभी कि अगर तकलीद जो है उसमें उनकी फिक्र की तकलीद की जाए, उनकी सीरत की तकलीद की जाए, सूरत हुलिया और एक दो चीजें जो हैं, अब ये बात कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। तो सिर्फ अपना हुलिया किसी की तरह बना लेने से इंसान जो है उसमें उसकी फिक्र नहीं आ सकती।
बिल्कुल नहीं आती, जाहिर है। और मैं बच्चों से अक्सर जब कॉलेज में भी पढ़ती थी तो हमारी एक सहेली थी, वो इकबाल परस थी और मैं गालिब परस। वो कहती थी मुझसे कि अगर इकबाल मेरे ख्वाब में आ जाए तो मैं सजदा करूँ नमाज पढ़ूँ। और मैं ज़रा थोड़ी सी अड़मन थी, मैं कहती थी कि भाई नहीं, अगर गालिब मेरे ख्वाब में आ जाए और वो नशे की हालत में भी हो तो मैं ताज़ीम करूंगी उनकी। अब मुझे वो नहीं मालूम था क्यों कहती थी, मुझे ये नहीं मालूम। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, तुझे हम वली समझते जो न बादा खार होता। तो देखिए गालिब अभी तक गालिब है, और गालिब जैसा उनकी वो जिंदगी के शायर थे, गालिब के यहाँ जो जिंदगी है, गालिब का शेर आप कहीं से उठा लीजिए और आज पढ़िए तो लगेगा कि ये शेर अभी किसी ने कहा है हमारे ही जमाने में। मैं दीवान पढ़ते पढ़ते जितनी मतलब जब उनका दीवान पढ़ती हूँ तो 6 साल पहले जो दीवान में से जो गजल पढ़ी होती है वो 6 साल पहले 6 साल तक कुछ और सोचती रहती हूँ, और 6 साल के बाद दोबारा वो शेर या गजल पढ़ती हूँ, सारे मफाहिम बदल जाते हैं उसके एकदम से। नए नए मानों से गालिब के सामने आते हैं। उनका एक शेर जो मुझे बड़ा अच्छा लगा गालिब का, कि लिखता हूँ असद सोजिशे दिल से सुखने गर्म। वाह, लिखता हूँ असद सोजिशे दिल से सुखने गर्म, ता रख न सके कोई मेरे हर्फ पे अंगुश। कैसी कैसी बातें, बारीक बारीक बातें कैसे चले गए वो, और वो नए तरीके से खुल गया मुझ पे कि ये गालिब का ये शेर भी बड़ा होता कह रहे हैं। और जोर साहब की तो सबसे बड़ा कमाल आपको बताना चाहती हूँ, जैदी साहब के, उन्होंने अपने दोस्त अहबाब की महफिलों में तो बैठे और बातें भी की, लेकिन जब जिस दिन दोस्त अहबाब जमा नहीं होते थे, शाम को कोई भी नहीं आता था, तो आवाज़ देते थे अरे भाई हमारे मसाहिबों कहाँ हो, जल्दी आओ जल्दी आओ, आके बैठो जी, पता कि मसाहिबों जल्दी जल्दी आओ। तो मैं और वालदा वालिद हम सब बहन भाई बैठा करते थे, तो उसमें वो शेर सुना रहे हैं। फिर हमने कभी कभी हम इतने बदतमीज भी हो जाते थे उनसे बेतकल्लुफ होके, क्या उनकी यादों के बारात में से उनके वो रोमांस के किस्से उनको भी छेड़ देते थे। बाबा वो क्या किस्सा था, वो किसके लिए आपने छलांग लगा दी थी पानी में? हाँ हाँ वो था, वो एक किस्सा था, फर्क हंसी मजाक में वो बात उड़ा देते थे। लेकिन जब वो शेर सुना करते थे तो शेर सुनाने के बाद उनकी ख्वाहिश होती थी कि लोग मिसरा उठाएं, कहते थे हाँ भाई मसाहिबों मिसरा उठाओ। अब अगर घबराहट के मारे मिसरा गलत उड़ गया तो कहे लगाते थे, मजाक उड़ाते थे भाई ये हमारे मसाहिब हैं जिनसे एक मिसरा भी नहीं उठाया जाता। एक जुमला याद है हमें, हम तकरीबन 10 बरस की उम्र थी, अपने बाबूजी के साथ बैठे हुए थे, वालिद के साथ, और जोर साहब पढ़ रहे थे, और वो अगला मिसरा उस वक्त तक नहीं पढ़ते थे जब तक के मिसरा उठाया ना जाए, जैसा कि आपने कहा। और वो रिकॉर्डिंग भी हमने रेख्ता पे भेज दी है, हमने आपको लिंक भी भेजा उसका, जैकबाबाद की है, और उसमें से हमने वो एडिट कर दिया उनका एक जुमला जहां पे कि वो उन्होंने मिसरा पढ़ा और मिसरा नीचे से गलत उठाया गया। और बड़े नामवर शख्सियात जो है, नामवर शख्सियात, अदबी शख्सियात मिसरा उठा रही थी, तो जोर साहब रुके और कहा कि फिरदौसियों रूमी समझता हूँ उसे, आज जो मेरा मिसरा सही दोहरा भी दे। बिल्कुल, तो ये उसकी वो रुबाई है जोर साहब की पूरी, वो कि दिल बेकसीये अदब पे थर्राता है जी, मरतूब फजा में दम घुटा जाता है, फिर दोसियो रूद की समझता हूँ उसे, मिसरा भी मेरा आज जो दोहराता है। जी जी, ये उन्होंने साहब पढ़ दिया, स्टेज पे पढ़ा, वहाँ बहुत बहुत शोरा मौजूद थे। अच्छा अच्छा तो वो बड़ा अच्छा रहा होगा वो तो, फिर वो बहुत अच्छा रहा। देखिए गालिब ने का एक शेर है सामने इस वक्त है कि जो ये कहे कि रेख्ता क्योंकि हो रश्के फारसी,
जो ये कहे कि रेख्ता क्योंकि हो रश्के फारसी गुफ्ते गालिब एक बार पढ़ के उसे सुना के यूं। तो हमें चाहिए ये शेर सिर्फ इस वजह से पढ़ा कि जोश साहब को पढ़ा जाना चाहिए और उन लोगों को पढ़ना चाहिए जोश साहब को जो समझते हैं उनके कलाम को और समझ के पढ़ने का ढंग आए उन्हें। और जोश साहब की शायरी न सिर्फ ये कि प्रिंट हो, आजकल एक सोशल मीडिया का दौर है, देखिए इसीलिए हमारी आपकी गुफ्तगू बहुत अहम है कि आपके बच्चे हैं, लोग चाहते हैं कि वो अपने फोन पे, आईपैड पे, इंटरनेट पे हर चीज उनके सामने आ जाए। जी जी। तो जितना ज्यादा पढ़ा जाए जोश साहब को, जितना ज्यादा हम उनके कलाम को आगे पहुंचाएं, आप अपनी बच्चियों से भी कहें कि पढ़ें। सबसे पहले तो बेइंतहा दुआएं जिन्होंने हमें और आपको जोड़ दिया और यहाँ तक ये आप पहुंच गई इस वक्त, तो बड़ी दुआ दिल से निकल रही है उनके लिए। बड़ी मेहनत की बच्ची ने मुझे लगा के कमरे में अरेंजमेंट कर दी सारी जी। मैंने कहा बेटा सर परेशान हो गई, मेरे जूम बंद हो गया, नहीं चल रहा बिल्कुल। उन बच्ची के वालिद का नाम भी शेयर कर लीजिए जल्दी से और बेटी का नाम भी शेयर कीजिए। भाई मेरे मैं मेरा जैसा कि मेरे नाम के साथ अखलाक लगा हुआ है जी, तो वो अखलाक अहमद साहब हैं, बेसिकली बिजनेस करते हैं, बिजनेस मैन है, आदमी के साथ बिजनेस है, मूसीकी का बहुत अच्छा शौक रखते हैं, उस्तादों से सीखा भी है, कंपोजर भी हैं। और एक ज़माने में इस्लामाबाद होटल में कहाँ हमने जोश साहब का प्रोग्राम किया था तो पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ उन्होंने जोश साहब का कलाम कंपोज करके गाया भी था प्रोग्राम में। क्या अच्छा, अगर कहीं कहीं लिंक हो तो जरूर भेजिएगा। नहीं वो रिकॉर्डिंग होगी, वो रखी हुई मेरे ख्याल में ऑडियो में ही रिकॉर्डिंग होगी, शायद वीडियो भी हो, याद नहीं मुझे। लेकिन उन्होंने चले एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, जो साहब की जो पहली गजल है उन्होंने कंपोज किया था और गाया भी था। मैं दो उसके शेर गाकर सुना देती हूँ जो उन्होंने कंपोज किया था। इरशाद जो साहब की पहली गजल था, बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह, वो जो उनकी पहली गजल थी, जब से मरने की जी में खानी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको साथ मारी है। अब मुमकिन है शायद गला खराब है तो बहुत अच्छा ना गा सकूं, लेकिन बारह उसके बाद निकल चलिए तो कर देती हूँ। जब से मरने की जी में खानी है, जब से मरने की जी में खानी है, किस कदर हमको, किस कदर हमको ताज मानी है, जब से मरने की जी में खानी है, क्यों न मैं इल्तिजा को दूं जुम्बिश, क्यों न मैं इल्तिजा को दूं जुम्बिश, क्यों न मैं इल्तिजा को दूं जुम्बिश, तुम न मानोगे और न मान, तुम न मानोगे और न मान, कोई सदमा जरूर पहुंचेगा, कोई सदमा जरूर पहुंचेगा, आज कुछ दिल को साज मानी है, आज कुछ दिल को साज मानी है, किस कदर हमको, किस कदर हमको साज मानी है, जब से मरने की जी में खानी है, जब से मरने की जी में खानी। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, वाह वाह वाह। अच्छा, अपने अपने वालिद का नाम जो है वो भी नाजरीन तक पहुंचा दीजिए और अपनी बच्चियों का भी प्लीज। बिल्कुल, देखिए मेरा माशाल्लाह एक अदद बेटा है सिकंदर अली जी, वो माशाल्लाह MBA है मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से, ड्रॉप कर रहा है। एक अदद उनकी जौजा हैं और वो उनकी जो वालदा है वो भी जैदी हैं, नरजिस अफरोज जैदी, उनकी बेटी हैं किंजा अली। एक अदद पोती हैं 6-7 साल की हमारी, और उनके बाद 5-6 साल के बाद हमारी एक बेटी हैं सुंदर अखलाक,
बहुत अच्छा गाती हैं बच्चियां हमारी दोनों तीनों, और वो ब्रॉड पे भी और अपना शौक और जैमिंग और गिटार और सब चीजें रखती हैं अपने घर में, शौक पूरा करती हैं, परफॉर्मेंस करती हैं। तीन माशाल्लाह माशाल्लाह सारी माशाल्लाह। बच्ची ने सब बच्चियां ग्रेजुएट हैं माशाल्लाह। दूसरी वाली भी है लेकिन अभी कुछ वो बीमारी मारे तो और ज्यादा कुछ कर नहीं रही है। सबसे छोटी वाली बस बहुत अच्छी है परफॉर्मिंग आर्ट में माशाल्लाह, परफॉर्मर अच्छी है, मेरी गजलें भी लेती है वो अक्सर मजाक में मुझे सुना भी रही होती है। मैंने कहा इनको कंपोज करो और गाओ बाहर जाके मेरी गजलें, इंशाल्लाह भैया सबसे मुझे नहीं आती। मुलाकात रहेगी, जूम पे भी रहेगी। अपने अच्छा वालिद वालिद का, साहब क्या भूल रहे? जी जी वालिद साहब का बिल्कुल नाम? वालिद साहब का नाम देखिए उन्होंने रखा था जो साहब ने सज्जाद, सज्जाद हैदर। वो बीमार हुए जिस जमाने में तो किसी ने कहा कि इनका नाम बदल दो, गुलाम अली रखा गया लेकिन पुकारते रहे वो सज्जाद ही। लेकिन जो साहब अपनी जिंदगी में उन्हें छजवा कहते थे कभी कभी मजाक में, छज्जू या छजवा करके, बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन वालिद साहब बचपन से बहुत बीमार रहे, लेकिन उनका वो शायरी के साथ साथ मैं वजाहत करना चाहती हूँ कि सज्जाद साहब बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे शायर, मतलब कहते कम थे लेकिन बहुत उम्दा कहते थे। एक जमाने में इंडिया में वो मुझे अब याद नहीं शोला और शबनम या किस नाम से एक रिसाला भी निकालते थे अपने अजीज के साथ, लेकिन ज्यादा देर वो चल नहीं सका। लेकिन ये हुआ कि जोर साहब की अपनी मसरूफियात और उनकी बुलंद कामती और बुलंद आहंगी की वजह से शायद सज्जाद साहब की आवाज दब गई, थोड़े से कम हौसला थे वो, बहुत उम्दा शेर कहते थे। और जोर साहब ने लेकिन हुआ ये कि उसके बाद उनको मौसीकी का भी शौक था, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि जोर साहब के छोटे भाई रईस अहमद खां को भी मौसीकी का बहुत शौक था, कसरत का शौक था, वर्जिश का शौक था, पहलवानी का शौक था और मौसीकी का शौक उनको बहुत था, सीखा था उन्होंने खुद भी और गाते भी थे। वही शौक मेरे वालिद साहब में भी आ गया था। तो मेरे वालिद साहब ने उस्ताद विलायत हुसैन खान साहब से सितार सीखा, उस्ताद चांद खान से मौसीकी सीखी गुलूकारी, और उसके अलावा भारतखंड यूनिवर्सिटी से ऑल इंस्ट्रूमेंट्स में वो गोल्ड मेडलिस्ट थे माशाल्लाह, और ऑल इंडिया अच्छा रेडियो से भी वो गाते रहे। फिर उसके बाद कराची आने के बाद वो रेडियो पाकिस्तान से सितार बजाते थे और शेरो शायरी बहरहाल वो करते रहे। लेकिन फिर आखिरी दौर में जोर साहब ने उनको बुला के अक्सर सुनना शुरू किया और एक शेर पे वो सर धुनते ही चले गए कि सज्जाद को गजल सुनाओ या कोई शेर सुनाओ। वालिद साहब ने एक शेर सुनाया कि नसीब ही से किसी को विसाल रास आए, नसीब ही से नसीब किसी ही को, से किसी को विसाल रास आए, हम उनसे मिल के तो कुछ और भी उदास आए। तो वाह जोर साहब बहुत जोर साहब ने उस पर सर धुना, बहुत खुश हुए और उनका कलाम मेरे पास मौजूद है। और मैं सोच रही हूँ कि जोर साहब के कलाम का तो जवाब ही नहीं है, लेकिन उस लड़ी को बरकरार रखते हुए मुझे चाहिए कि एक उनका मजमूआ कलाम उनका मैं छाप ही दूँ अपने कलाम से पहले, नहीं नहीं ताकि वो सीरीज हम सब आपके कंटिन्यू हो जाए। साथ हैं और इंशाल्लाह इन कोशिशों में शामिल रहेंगे। अब देखिए बातचीत भी हो गई है, मुलाकात भी हो गई है, और ये फरमाइए कि जो जोश साहब की कुलियात आपने देखी सरसरी तौर पे, शायद वरगर्दानी की हो, तो अभी और बहुत कुछ बाकी है जहां तक हमें ख्याल है। मुझे गिला है, अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूँ गिला मत कीजिए, गिला मत मत कीजिए। करूँ नहीं 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 है, गिला नहीं नहीं है, गिला एक शेख, बात हम तो काम, नहीं, हम तो नहीं नहीं बात को आगे बढ़ाने निकले हैं अब। नहीं, मैं सिर्फ एक बात करना चाह रही हूँ कि कुलियात छपा और वो जो आपने मुझे मतलब मुझे मौसूल हुआ है तो मुझे देख के बेतहाशा खुशी हुई है। यकीन कीजिए कि अगर मेरे बस में होता तो मैं कोई बादशाह होती या कुछ होती तो हीरे और जवाहरात में मैं उसको तोल कर उस तहकीक करने वाले के सामने पेश कर देती, उसमें कोई शक नहीं। बस वो महमिल और जरस रह गई, उसका मुझे सदमा जरूर है, वो शामिल कर लेनी चाहिए थी ताकि उनका जोर साहब ने लिखा था मेरा आखिरी मजमूआ का नाम है वो रह गया, बस केवल उनसे नहीं। हम और आप मिलके उसको शामिल करेंगे इंशाल्लाह। जी जरूर बिल्कुल बिल्कुल,
और मैं अब बात बात आपने की थी तो मैं बिल्कुल जहन से वो आ रही है, और मैं कहना चाह रही हूँ कि जोर साहब की अहलिया का इंतकाल हो गया था 1973 में, 9 जनवरी 1973 में, एक हादसाती इंतकाल था उनका। वो उनके हीटर के करीब एक जो जल रहा था किसी कपड़े में आग लगने, धुएं से उनका दम घुट गया। तो मेरे वाले साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो उनकी पसली में कुछ चोट लगी हुई थी। तो जोर साहब की वालदा जिंदा थी उन आग लगने से पहले के वाकई में, तो उन्होंने कहा कि सज्जाद की आबादारी सज्जाद क्यों करा रहे हैं। मैंने उनको उस बीमारी की हालत में और मदोशी में गुम चुम थी, मेमोरी लॉस कर चुकी थी वो, लेकिन उनको अपने बेटे की आवाज़ का मालूम हो गया तो दूसरे कमरे से बेटा करा रहा था। जब उनका इंतकाल हो गया तो वालिद साहब को बहुत सदमा था उनका। और याद रहे कि जोर साहब अपने दोस्तों में मुशायरों में हुआ करते थे, वालिद साहब को अपनी अपनी वालदा की बेतहाशा उन्होंने दिलजुई की है। वो जब भी सोती थी वालिद साहब उनसे पीठ से पीठ लगा कर सोया करते थे बरसों बरस तक, इतना प्यार करते थे अपनी वालदा से। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद बहुत रंज आलम के आलम में उन्होंने 2-3 शेर कहे जो मैं सुनाना जरूर चाहूंगी। के वाल लिखा था अम्मा के लिए, लिखी है अम्मा के लिए, कि होश मेरी जान का दुश्मन है, कोई करे बेहोश मुझे। होश मेरी जान का दुश्मन है, कोई करे बेहोश मुझे। दिल से बातें करता हूँ मैं, कोई करे खामोश मुझे। मदहोशी में होश की बातें मैं कुछ कुछ कर लेता, मदहोशी में होश की बातें मैं कुछ कुछ कर लेता हूँ, बहका बहका सा रहता हूँ जब आता है होश मुझे। वाह 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 वाह। आखिरी शेर सुन लीजिएगा कि गोद हो माँ की या मरकज हो, दोनों में यकता है। गोद हो माँ की या मरकज हो, दोनों में यकतानी है। मीठी मीठी नींद सुला दे, दे दो वो आगोश। सुभान अल्लाह। बड़े उम्दा शेर कहने वाले थे वो भी, और बस आवाज़े से जमाना का शिकार हुए। जिस जमाने में जोर साहब पे एताबात नाजिल होते रहे, उनके उस चक्की में कहते ना कि वो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, हम भी बहुत पिसे हैं, लेकिन जोर साहब के अदब पर बहुत एहसानात हैं, लिहाजा वो कर्ज उतारना आपका हम सबका मिलते, हम दोनों का सबका मिलते मुश्तरक का फर्ज है, और हम चाहेंगे कि हम इस काम को आप और सब मिलकर अंजाम दें। इंशाल्लाह होगा, ये आपसे वादा है बिल्कुल। और हिलाल नकवी साहब की तहकीक, उनकी मेहनत मशक्कत और उन्होंने जो काम किया कुलियात के सिलसिले में, उसमें उनके लिए जो अल्फाज आपने आज कहे वो दुनिया की तमाम तरीन और तमाम तर दौलत से ज्यादा हैं। मेरे नजदीक मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत मोहब्बत भी करती हूँ। मैं इतना समझ सकती हूँ और आपके सामने कह सकती हूँ कि कहीं भी किसी ने, घर के लोगों ने भी मुखालफत की तो मैंने कहा कि नहीं, हिलाल नकवी जैसा साहब जैसा आदमी आपको ना मिला है ना मिलेगा। जो साहब पर काम करने वाला वही, जो कहते ना कि कीड़े की तरह पीछे पड़े होते हैं, एक एक लफ्ज के पीछे एक एक तहकीक। बड़ी मेहनत की उन्होंने, देखिए 30 बरस। हम माँ के हवाले से एक शेर आप तक पहुंचा देते हैं, और एक आपके जो ऐसा साथ हैं अपनी वालदा जोश साहब के लिए, जोश अपनी दादी के लिए, दादा के लिए, तो एक शेर है जो कि हमारी वालदा का इंतकाल हुआ कि मैं इससे कीमती शय कोई खो नहीं सकता। अदील कीमती शय कोई खो नहीं सकता, अदील माँ की जगह कोई हो नहीं सकता, बिलाशुबा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कह रहा है। और जब उन्हें दफना के वापस आ रहे थे और अगले दिन सुबह का जो वक्फा था, उसमें ख्याल आया कि दिल की धड़कन को सुना गौर से कल रात अदील, दिल की धड़कन को सुना गौर से कल रात अदील, जिसको मैं ढूंढता रहता हूँ बसा है मुझ में,
बिलाशुबा बिलाशुबा बड़ा उम्दा शेर बहुत उम्दा शेर। तो आज आपको सुन के लगा कि जोश साहब जो हैं वो तो रचे बसे हैं आप में और रचे बसे रहेंगे आपकी औलादों में, नस्लन नस्लन ये देखिए सिलसिला आगे बढ़ेगा, शेरो शायरी भी रहेगी, उनकी यादें भी रहेंगी। और अब हम आपसे इजाजत लेंगे क्योंकि बहुत देर हो गई, इस वक्त वहां रात का 1 बज रहा है आपकी तरफ। और यकीनन बजाऊंगा, मुझे तो इल्म भी नहीं है। और आपके लिए बेटी का जो फोन है उसकी बैटरी भी शायद खत्म होने वाली हो। नहीं, वो तो उसने फुल करके रखी, मेरे ख्याल है तुमने फुल नहीं किया। तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं अजीज रेड्डी साहब, शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और बड़ी दुआएं हैं उनके लिए। तो दुआएं भी दे रहे हैं, बहुत प्यार भी भेज रहे हैं। तो जिस बेटी ने हेल्प की है उस बेटी का नाम क्या है? इनका नाम सनोबर अखलाक। सनोबर अखलाक है जी जी, बहुत जहीन बच्ची है, टेक्सटाइल डिजाइनर है माशाल्लाह। चलिए बड़ी दुआएं आपसे इंशाल्लाह आपकी तखलीकात के सिलसिले में। और महमले जरस जो आपने किताब जोर साहब की फरमाई कि वो है उस सिलसिले में इंशाल्लाह, अब जो वीकेंड आएगा उस पे गुफ्तगू जारी रहेगी। आपसे दुआ में याद रखिए, फी अमानिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल जैदी साहब कि आपने इतनी मेहनत करके, इतने दिन इंतजार करके, मेरी बीमारी का भी इंतजार किया। और मैं तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और तमाम लोगों को जोश साहब की सालगिरह की मुबारकबाद देती हूँ, आपको भी, क्योंकि आपने इससे बहुत मेहनत की है, बहुत खुलूस से काम किया है। और यहाँ पर इस्लामाबाद में मैं जोश मेमोरियल कमेटी के तहत 30-35-40 बरस से काम कर रही हूँ और अभी भी इंशाल्लाह 5 दिसंबर या 10 दिसंबर तक हम एक तकरीब करेंगे, उसके हवाले से आपको रिपोर्ट हम भिजवाएंगे। और इंशाल्लाह देखें, सादा तो जिंदा नहीं जो काम करती थी, लेकिन बहरहाल अभी मैं हूँ, कब तक जिंदा हूँ, कब तक कर सकती हूँ, दम खम जब तक बाकी काम करते रहेंगे, हक के नमक अदा करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उनका बहुत बड़ा एहसान है, उर्दू जबान से एहसान है, उसके लिए हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे। यकीनन इसमें कोई शक नहीं, आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह आपको भी सलामती के साथ रखे, खैरियत से रखे, अमान में रखे। और बहुत अच्छा ये रहा मेरा आपके साथ मुलाकात का जो बड़ी आपकी बड़ी नवाजिश, बहुत ममनून है, मशकूर है और बेइंतहा मोहब्बत है आपकी कि आपने इतना वक्त दिया आज हमें। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज वैदी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत फी अमानिल्लाह। आज़ाद।